कोरोना संकट के इस दौर में लोगों के बीच प्लाज्मा थेरेपी नाम खासा चर्चित हुआ है। एक तरफ जहां समूचा विश्व कोरोना का इलाज ढूंढने में लगा है, वहीं प्लाज्मा थेरेपी एक उम्मीद के रूप में सामने आ रही है। इसी को लेकर मंगलवार से राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। कोरोना के संक्रमण में कई तरह के दवाइयां, कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। दवाइयों पर रिसर्च चल रहा है। इसी दौरान प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के भी एक बात आई थी। लगातार पूरे देश में इसकी चर्चाएं हो रही थी। उसी समय से हम लोगों ने इस बात को संज्ञान में लिया था और उस संज्ञान के अनुरूप राज्य के अंदर भी प्लाज्मा एकत्रित करने का निर्णय लिया गया था। अगर जरूरत पड़े तो तत्काल उसका उपयोग किया जा सके, इसको लेकर आज विधिवत रूप से यहां पर प्लाज्मा एकत्रित करने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आज हम लोगों ने यहां पर ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनरों से भी मुलाकात की। आज लगभग 4 नौजवान डोनर प्लाज्मा दे रहे हैं और मुझे लगता है ये काफी साहसिक और सामाजिक सद्भाव का एक उदाहरण है। जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके आज प्लाज्मा देने का निर्णय बनाया है और यहाँ आए हैं, मैं उन सभी डोनरों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ कि इनके प्लाज्मा से आने वाला समय में निश्चित रूप से लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये चीजें और अधिक बढ़े, मैं राज्य में कोरोना से संक्रमित लोग जो ठीक हुए हैं, किसी भी वर्ग समुदाय के हों, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब लोग भी आज इस संक्रमण में योगदान दें, प्लाज्मा डोनेट करें। इस संक्रमण में हम लोगों ने सभी समाज वर्ग मिलकर जिस तरीके से राज्य के अंदर लोगों को राशन दिया, भोजन कराया, कई सामग्रियां बांटी, मुझे लगता है कि आज इस संक्रमण से लड़ने के लिए हमें सबका एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा और इस जंग को जीतना होगा। आप हमारे कर्मचारी हैं, हम लोग मिल बैठ के समझेंगे, समझाएंगे और फिर मामले को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए कोई बहुत वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। इसलिए कहीं पर भी कोई अव्यवस्था कायम होने वाली नहीं है। थोड़ी बहुत कमी खामी तो आपके परिवार में भी होती होगी, तो परिवार का लोग मिलके आपस में सुलह सपटा करेंगे। नहीं नाराज है, नहीं नाराज है तो नाराजगी का विषय जानेंगे। यदि नाराजगी जायज होगी तो नाराजगी दूर होगी, और यदि नाराजगी जायज नहीं है तो हम उसको समझाएंगे। और चूँकि आज जितने भी इस कोरोना के इस संकट में जितने सरकारी हमारे अस्पताल हैं, उन्होंने जो महती भूमिका निभाई है, वो बहुत ही, हम उसके लिए उन सभी सरकारी अस्पतालों को, डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को,
हमारे नर्सिंग स्टाफ को, सबको बहुत बहुत हम धन्यवाद और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कई राज्यों के बाद अब झारखंड में भी इसकी शुरुआत हो रही है। रिम्स के ब्लड बैंक में प्लाज्मा थेरेपी की व्यवस्था की गई है। अब प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों का इलाज रांची में भी शुरू हो जाएगा। ओंकार आवामी के लिए रांची से मनीष झा।